हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कोको स्प्रेड। बाज़ार से जो हम जो कोको स्प्रेड या न्यूटेला लेके आते हैं उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है और पाम ऑयल जो हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने घर में ट्राई किया है, घर में बनाया है चोको स्प्रेड। जो मेरा छोटा बेटा है वो चोको स्प्रेड के साथ रोटी खाता है, ज़्यादा तेज़ नहीं खाता है, तो मुझे चोको स्प्रेड बहुत लगता है, तो इसलिए मैंने ये हेल्दी वर्जन बनाया है जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुशी से खा लेता है। और ये एकदम हेल्दी है और बाज़ार के जो हम कोको स्प्रेड लाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, तो ज़रूर बनाइएगा। देखिए मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है, क्या क्या इंग्रीडियंट्स लिए वो बता देती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते उन वो भी ये रेसिपी ज़रूर लाइक करेंगे। तो मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, कोको पाउडर और ये मिल्क पाउडर और घी। इन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे कोको स्प्रेड। तो मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून ही घी डाला है, असली घी लीजिएगा, बच्चों को हेल्दी रहता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताए थे, आपके हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डालिएगा। आप सिर्फ बादाम से भी बना सकते हैं, पर मैंने सब ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ताकि बच्चों को और टेस्टी लगे और हेल्दी हो जाए बच्चों के लिए। इसे थोड़ा भून लेना है हमें, ताकि हम लोग अगर ये एक डेढ़ महीना अगर हमने स्टोर करके रखा तो ये ख़राब नहीं हो, इसलिए हम लोग इसे भून लेंगे। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है मैंने, इसमें तो शुगर भी ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से भून लेना है, ये बहुत हेल्दी है और जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते उनको भी ड्राई फ्रूट्स उन बहुत हेल्दी होते हैं। आपको पता ही है कि आपके अपने हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्पफुल है, तो इस तरीके से अगर आप बना के उनको खिलाएंगे तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, मोस्टली बच्चे तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से बना के खिलाइए वो बहुत पसंद करेंगे। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, मैंने इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसे हमें ठंडा कर लेना है। ये बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस रेसिपी बनी थी और येट ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप बच्चे से लेके बड़ों को सभी को दे सकते हैं। अभी मैंने एक मिक्सी जार लिया है और हमारे ड्राई फ्रूट्स अभी ठंडे हो चुके हैं, अब हम इस मिक्सी जार में ये ड्राई फ्रूट्स डाल के इसकी फाइन पाउडर बना लेंगे। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी डिश है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए अभी मैं इसकी फाइन पाउडर बना दूंगी, अच्छे से इसे फाइन पाउडर बना दीजिएगा, फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे कोको पाउडर और मिल्क पाउडर, ये दोनों हम लोग इसमें ऐड करके फिर से इसकी एक फाइन पाउडर बना लेंगे मिक्सी जार में। देखिए मैंने बना ली है, अभी देखिए हमारे ये फाइन पाउडर हो गया है, ये हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पीस लिए है। इसके बाद हम लोग असली घी 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे, इसके अंदर हम लोग मिक्स करके फिर से हम लोग इसको मिक्सी जार में घुमा लेंगे और देखिए हमारा कोको स्प्रेड कितना आसानी से बन जाता है। देखिए है ना, बाज़ार वाला हेल्दी सा कोको स्प्रेड। अभी मैंने एक खाली कंटेनर लिया है, आप कोई भी बॉटल में इसमें स्टोर कर सकते हैं, एक डेढ़ महीना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दीजिएगा और मुझे ऐसे ही और रेसिपी लाने के लिए सपोर्ट कीजिएगा। मैं अभी इसे जार में इसे निकालने वाली हूँ। देखिए ये जार मैंने प्लास्टिक का लिया है, कांच का लिया है, आप प्लास्टिक के जार में मत रखिएगा, कांच के जार में रखिएगा। मैंने इसके निकाल लिया है, देखिए और बच्चों को भी लगेगा कि हमने बाज़ार से लाया है, पर ये तो हमने घर में बनाया है, बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी और बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो आप ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कितने अच्छा सा बन गया है हमारा चोको स्प्रेड, बाज़ार से भी अच्छा, बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा दिखने में और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाने के लिए ये रेसिपी बहुत बेहतरीन है, आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत अच्छी रेसिपी थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दीजिए और मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी रेसिपी ला सकूं। हमारे बच्चों के लिए हेल्दी सी रेसिपी बहुत टेस्टी है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक बटन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।